नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइंस सह उज्ज्वला योजना 2.0 को शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संजोग प्रदान लक्ष्य। उत्तर प्रदेश महोबरा पीएम को वर्चुअल लॉन्च। हिताधिकारी आलोचना कले मोदी। अपराध मुक्त हेब राजनीति। सुप्रीम कोर्टर बड़ निष्पत्ति। हाइकोर्टर बिना मंजूरी रे फेराई हेबनी नेतांक नारे थिबा मामला। घोषणार 48 घंटा भितरे देबाकु हेब प्रार्थी अपराधिक केसर डिटेल्स। झारसुगुड़ा सोडामाल जमी केलेंकारी। महंगा पड़ा स्वास्थ्यमंत्री पुओं को अनुकंपा। मिछ रिपोर्ट दे समाज सिंह आरआई निलंबित। एवं प्रश्न नवदास पु विशाल विरोध में होब तो कार्यानुष्ठान। रक्त पछे देबु पानी देबुनी। जोर धरला खरस्रोता बंचा अभियान। केन्द्रापड़ा तीनोटी पंचायत में 144 धारा। सुरक्षा दृष्टि 30 प्लाटून फोर्स मुतयन। आसंता 12 तारिखर युक्त दुई नामलेखा प्रक्रिया। साम्स पोर्टाल आवेदन करें छात्र छात्री। 54,900 को वृद्धि पाइला प्लस टू सीट संख्या। पूर्णांग पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन दाबी। राजभवन आगे बीजेपी धारणा। विकास परिषद मुख्यालय को पश्चिम ओडिशा स्थानांतर और परिषद पांठि को वृद्धि दाबी कला दल। एवं आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस रेड। पुरी जिला शिशु विकास अधिकारी ऑफिस किराणी घरे चढ़ाऊ। केन्दुझर जोड़ा ब्लॉक सर्वशिक्षा अभियान टेक्निकल कंसल्टेंट घरे रेड। देखा संपूर्ण खबर। आज उज्ज्वला योजना 2.0 को शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश महोबारे प्रधानमंत्री वर्चुअल यार लॉन्च कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी सहित कर आलोचना। उज्ज्वला योजनार प्रथम पर्यायर अंतर्भुक्त हो पार्थ्वा स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संजोग प्रदान करने को एथर लक्ष्य रखाई। 2016 मसीह आरंभ होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन बीपीएल श्रेणी 5 कोटी महिला एलपीजी संजोग देवाई लक्ष्य धार्य कर 2018 योजनार विस्तार करी एससी पीएमएवाई एएवाई पछुआ श्रेणी वनराशि द्वीपपुंज ना विभक्त कर 8 एलपीजी संजोग प्रदान कर 8 कोटी एलपीजी। चलित आर्थिक वर्ष केन्द्र बजेट उज्ज्वला योजना अधीन 1 कोटी अतिरिक्त एलपीजी संजोगर व्यवस्था घोषणा कर। तो आज उज्ज्वला योजना 2.0 रो शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश महोबारे प्रधानमंत्री वर्चुअल यार लॉन्च कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी सहित कर आलोचना। उज्ज्वला योजनार प्रथम पर्यायर अंतर्भुक्त हो पार स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संजोग प्रदान करने को एथर लक्ष्य रखाई। 2016 मसीह आरंभ होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन बीपीएल श्रेणी 5 कोटी महिला एलपीजी संजोग देवाई लक्ष्य धार्य कर 2018 योजनार विस्तार कर 8 कोटी एलपीजी संजोग प्रदान कर। चलित आर्थिक वर्ष केन्द्र बजेट उज्ज्वला योजना अधीन 1 कोटी अतिरिक्त एलपीजी संजोगर व्यवस्था घोषणा कर। 2016 आरंभ होता योजना और लक्ष्य था ग्रामीण महिला और शिशु स्वास्थ्यावस्था को लक्ष्य रखी योजना प्रस्तुत होद्वारा टीवी रोग जक्ष्मा और श्वास रोग भली रोग को दूर करोजना बेस फलप्रद। आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोबा में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। भारत राजनीति और निर्वाचन प्रक्रिया रे स्वच्छता आणिबा पई आज सुप्रीम कोर्ट का तरफ देशर समस्त राजनीति दल को निर्देशनामा जारी करा छे। निर्वाचन समस्त अंचल प्रतिनिधित्व करने को जाऊथबा दल द्वारा निर्वाचित सदस्य मानकर समस्त दरकारी रेकर्ड को 48 घंटा मध्य कोर्ट में दाखल करने को मान्यवर कोर्ट का तरफ निर्देशनामा जारी करा छे। एथरे विशेष भाव में निर्वाचन लड़ाक जाऊथबा प्रार्थीर पूर्वर समस्त क्रिमिनाल रेकर्ड को कोर्ट तरफ तर्जमा करा जिवो। एपरी प्रक्रिया रे कौनसी क्रिमिनाल रेकर्ड थिबा प्रार्थी प्रतिनिधित्व को नहीं कोर्ट तरफ निष्पत्ति मध्य नियाजिवो। निहारिका नंद मो सहयोगी न्यूज रूम अच्छा अधिक सूचना पाई। निहारिका, अपराध मुक्त करने राजनीति को एक बड़ पदक्षेप कहुपे भावे अपूर्व जमी आम अलरेडी कही सारी जे वर्तमान सुप्रीमकोर्टर फोकस जे भारत राजनीति को कम्प्लीटली डिक्रिमिनालाइज करवा तो जदि आपण से कथा बर्तमान आम आलोचना को आणुचे प्रथम कथा हूँ जेबेठू भारत राजनीति कम्प्लीट भाव में विश्व दरबार में गोटे फोकस स्तर अच्छी जे एत भल भल राजनीतिज्ञ मैंने अच्छा किंतु तापर भी आपण जानिथिबे जे विभिन्न प्रदेश रे सबुबले क्रिमिनल रेकर्ड पाई पॉलिटिक्स माने एक्सपो पॉलिटिकल जोटा वे कहउचंती सेरा एक्सपोज हेइछि पॉलिटिकल पार्टी माने एक्सपोज हेइचंती आ विभिन्न प्रकार दुर्घटना भी घटुछि आ बहुत प्रकार क्रिमिनालिटी सामना को आसुछि किंतु एई स्तर रे केबे भी जेमती आज सुप्रीम कोर्ट निजे कहिचंती जे वर्तमान पई एते वर्ष भितरे कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी बी ए नै कि केबे भी कोनोसी पदक्षेप नौ नहांती सेटा होचे गोटे निराशजनक विषय किंतु सेतिपाई वर्तमान पई सुप्रीम कोर्ट तरफ रु या कहा जाय छी जे बिहार असेंबली जोटा कि 2020 रे जे परि भाबरे सेतिरे मैक्सिमम क्रिमिनल रेकर्ड थिबा र लोक माने ही एमपी जाउ एमएलए हेतिले ताकु दृष्टिगोचर करबा परे सेई परिपेक्षी रे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट तरफ रु ए निष्पत्ति निया जाय छी जे जो माने क्रिमिनल रेकर्ड थिबे सेमाने जदि प्रतिनिधित्व करबा दरकार बोले कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी चाहूची ताले से रेकर्ड को नहीं पुंखानुपुंख भावरे बा क्लियर भावरे सुप्रीम कोर्ट सामना रे सबु किछि डॉक्यूमेंट दाखल करबा दरकार। ए परिप्रेक्षी रे अपूर्व प्रथम कथा होउची जे जदि जे कोनोसी प्रतिनिधित्व करिवार अछि जदि कोनोसी अंचलर लोक को बा कोनोसी पॉलिटिकल प्रतिनिधि को से माने डिसाइड करुचंती जे छिड़ा करबे बोली इलेक्शन रे बा इलेक्शन निर्वाचन लड़ीबा पई तेबे 48 आवर्स भितर सुप्रीम कोर्ट कहिबा अनुसार जे तार कंप्लीट रेकर्ड जे ता पूर्वरु तार कोनोसी क्रिमिनल रेकर्ड थिला कि नहीं बा तांकर फैमिली रो कोनोसी रेकर्ड थिला कि नहीं एक कथा कहिबाकु जदि एटलीस्ट 48 नहीं आवर न हे थाए तेबे से नोमिनेशन फाइल करिवार 2 वीक्स पूर्वरु क्लियरली तांकर सबु किछि रेकर्ड को दबा दरकार। आ ए परिप्रेक्षी रे आ गोटे स्टेप आसुचि जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी कहुचि जे आमर ए प्रतिनिधि तार होए तो किछि क्रिमिनल रेकर्ड थाई पारे भूल वशतः थाई पारे ताहले सेटा को से माने निश्चय भाबरे कोर्ट ऑफ लॉ सामना रे ताको कंप्लीट परिमाण रे ताको जस्टिफाई करिवे ताको लॉजिकली प्रोड्यूस करिवे एटा होचे वर्तमान कोर्ट रो निष्पत्ति। वर्तमान आ गोटे पॉइंट कहबा को चाहुचे जे 2020 रे ए जजमेंट को नेकी सुप्रीम कोर्ट कहितिला किंतु वर्तमान पई कि फेब्रुअरी 2020 नवंबर रे याकु नै गोटे निष्पत्ति पास हेतिला
किंतु ता पूर्वरु 2020 फेब्रुवारी जेते बिहार आसेंबली रा इलेक्शन हेतिला सेतिरे जो सब क्रिमिनाल माने सब आपण कहि पारंती भाग नहीं जो मन कर रेकॉर्ड थिला से माने भी निर्वाचन प्रक्रिया रे थिले से सबुर क्लियर कट कोनोसी किछि भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट पाखरे पहुंचलानी तेणु वर्तमान पाई कि सुप्रीम कोर्ट से चेंजेस आनी 2020 रा नवंबर जो पाराग्राफ 4.4 रे जहां थिला तांको कंप्लीट भाव रे चेंज करी और वर्तमान ए निष्पत्ति आसी 48 आवर्स भीतर गोटे पॉलिटिकल पार्टी तार जहां को भी से प्रतिनिधित्व करने को चाहूँ तार कंप्लीट क्रिमिनल रेकॉर्ड दे ओके बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका नंद मो सहयोगी कम्प्लीटली बुझाऊ के भावे सुप्रीमकोर्ट तरफ निर्देश आसी अपराध मुक्त करने राजनीति को यह एक बड़ सुजोग बड़ पदक्षेप नहीं सुप्रीमकोर्ट बोली कहु देखते अर्गस अपडेट ब्रेक र समय ब्रेकफास्ट स्वागत जोर धरला खरस्रोता बंचा अभियान बालकाटी भारीगदा बरुणाढ़िया पंचायत रे जारी है 144 धारा 10 जन मजिस्ट्रेट उपस्थित थिबा बेले 30 प्लाटून फोर्स मुतयन करा जायछि। अभियान रे आली और राजकनिका ब्लॉक रो शताधिक महिला और पुरुष सामिल होइछन्थे। सोमवार मशाल शोभायात्रा करथिले आंदोलनकारी रक्त पछे देबु हेले पानी देबु नाही बोली अड़ी बसिछन्थे आंदोलनकारी। सोमवार विलंबित रात मेगा पानी जल प्रकल्प काम आरंभ हो आंदोलन को जोरदार विरोध करा क्षमा करेंगे खरस्रोता नदी में मेगा पानी जल प्रकल्प को निर्माण को नहीं मुहामी होती जिला प्रशासन और खरस्रोता पंचायत संग्राम समिति। खरस्रोता नदी में प्रकल्प निर्माण को विरोध कर गत 2 वर्ष हेब खरस्रोता पंचायत संग्राम समिति पक्ष आंदोलन चली। कृषि कृषक और जैव विविधता को छारखार कर कौनसी परिस्थित भी खरस्रोतारु बुंदाए पानी भी दिया जीवन नहीं बोली समिति पक्षर चेतावनी दिया जाइछे। हेले नछुड़ा बंधा प्रशासन भी प्रकल्प निर्माण लगी प्रस्तुत कर सारी आक्शन प्लान कार्य को त्वरान्वित करने को प्रशासन पक्षर गत रात्र 2 मास लग जा 144 धारा प्रकल्प को लग रही केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका निकटस्थ भारीगदा बालकाटी और बरुण गाड़िया आदि तीनोटी पंचायत 144 धारा जारी हो। केन्द्रापड़ा जिला राजकनिकार भरीगदारे 800 कोटी टंका विनिमय प्रस्तावित मेगा पानी जल प्रकल्प मिली अनुमति। यह प्रकल्प कार्यकारी हेले भद्रक जिलार 4 ब्लॉक को पानी जल जोगाई दिया किंतु स्थानीय अंचल नदी पानी लुणा हो अभाव जो चाष कार्य बाधाप्राप्त हो जैव विविधता उपर यार घोर प्रभाव पड़े बोली कहुई समिति पक्ष विरोध करपरिक गत 2 वर्ष हेब सभा समिति धारणा तथा मानव श्रृंखला जरिया रे ए प्रकल्प को विरोध करा बेले प्रशासन सह बारंबार आलोचना फेल मारी सरकार आज जो पुलिस लगे कि ये अंचल जो वर्ष प्रति दृष्टि न दे जो पुलिस आज दमन लीला चल गाँ गाँ पुलिस बुले लोक भयभीत कर जो न्याय दाबी ताकू कर्णपात नक लोक डर हले ये जोर जबरदस्त प्रकल्प कार्य आरंभ कर सरकार केते दम अच्छी आम देखू आगामी दिन आज केते दिन पुलिस रखी से प्रकल्प करी कार्य करी नहीं जी आम देखू ये प्रकल्प आज आरंभ ने संपूर्ण हो पारे आम आईन को हाथ को नबू बयालीस आंदोलन भाया कुछ करमर भांगी ध्वंस कर झारसुगुड़ा सोडामाल जमी केलेंकारी महंगा पड़ा स्वास्थ्यमंत्री पुओं को अनुकंपा मिछ रिपोर्ट दे निलंबित तो हेले समाज सिंह आरआई जगदीश साहू आरआई जगदीश साहू तदंत कर लिज आवेदन करा जमी में खोला पड़िया बेले किसी छोट छोट बुदा रही नहीं रिपोर्ट में दर्शाई पुओपाई नवदास ए षड्यंत्र करथिबार अभियोग होता अर्गस एने बारंबार खबर प्रसारण कर विधानसभा भी उठी प्रसंग कोलाबिरा तहसिलदार रिजनाल अफिसर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारसुगुड़ा और संबलपुर जंगल विभाग एसीएफ सभ्य रही मिलित क्षेत्र परिदर्शन करते लीज आवेदन करा जाइतबा जमीरे बड़ बड़ गछ थिबा नै जिलापाल को दिया जाइतला रिपोर्ट। एबे आसु नजर पकाइबा पूरा घटना उपरे जहाँ कुने अर्गस बारंबार खबर प्रसारण करथिला 26 जुलाई 2019 रे डिस्ट्रिक्ट सिंगल विंडो क्लीयरेंस एजेंसी सोडामाल 8 एकर जमी को महानदी वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को देवा नहीं अनुमति प्रदान करते यार अध्यक्ष थे सेतेबेलर जिलापाल ज्योति रंजन प्रधान तेज आश्चर्य कथा थिला सेतेबेले जमी पाई आवेदन ही होइनथिला
अगस्त 2 रे विशाल दास महानदी वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर आवेदन कले। विशाल दास होती मंत्री नव दास पुव। एवं बड़ प्रश्न, आवेदन पूर्व जमी मिलला किपर? मंत्री नव दास चापर से जिलापा अनुमति देना किए? प्रशासन को धरी पुप जमी हाथेबार ये षड्र नुहे किए? मंत्री पुप कौन सिंगल विंडो एजेन्सी अलग नियम? केवल से नुहे, सोडामालवासी मंत्री नवकिशोर दास धोखा देवार भी अभोग हो। 2011 पंचायतवासी से विधायक नवकिशोर दास को उपस्थित निष्पत्ति नहीं जमि में कल कारखाना करने को देवे ना। नव दास दस्तखत दस्ताबिज भी सामना को आसी। 8 वर्ष पर पुप बदली जाते नव दास। आसंता 12 तारिखर युक्त 2 नामलेखा आरंभ हो आवेदन। एने सूचना देखते विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। शाम्स पोर्टाल छात्र छात्री आवेदन करेंगे। चलित बर्ष युक्त 2 रे मोट 54,900 सीट वृद्धि हो। 72,000 सीट वृद्धि पर आवेदन करते विभिन्न स्कूल। कलार सीट वृद्धि पर 40,000 आवेदन आसीता बेले 38,000 सीट वृद्धि पर अनुमति दिजाई। सेमती विज्ञान में 25,000 सीट वृद्धि पर आवेदन आसीता हेल्ले 13,000 को दिजाई अनुमति। वाणिज्य 4,000 आवेदन 3,900 सीट को अनुमति दिजाई। कोरोना पर कौन आडमिशन फी वृद्धि होनी सूचना देखते विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। अक्टोबर क्लास आरंभ पर यूजीसी समय दे चलित सप्ताह बाकी युक्त 2 कला परीक्षा फल प्रकाश पाइब। आपण देखुछन्ते अर्गस अपडेट। समय होइछि आउ एक ब्रेक। ब्रेकर पुनः स्वागत। संबलपुर एसपी ऑफिस घेरिले घुनघुट्टी पड़ार शताधिक महिला और पुरुष। समलई योजन होता सर्वे को विरोध सहित पड़ार 4 जन युवक को पुलिस गिरफ कर उठे नहीं घटना नहीं घेरिले ऑफिस। एसपी ऑफिस सम्मुखें व्यापक फोर्स मुतयन खबर सामना को आसी सूचना आसी पहुंची जे संबलपुर एसपी ऑफिस घेरी घुनघुट्टी पड़ार शताधिक महिला और पुरुष। गोपबंधु प्रतिमूर्ति निकट में विष्णु दास प्रतिमूर्ति रहा बिवाद। यह प्रसंग में मुह खोली वरिष्ठ नेता दामोदर राउत कटाक्ष घटना दुखदायक और लज्जाजनक। ए मूर्ति साधारण जनता करना जो मैंने विभिन्न योजनार टा हड़प कर विष्णु दास को देखते से मूर्ति कर। जगत सिंहपुर रघुनाथपुर बाजार में प्रतिष्ठा करा गोपबंधु प्रतिमूर्ति निकट में विष्णु दास प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा को नहीं उभय कांग्रेस और बीजेपी असंतोष प्रकाश कर सारी। अनुप्राण देते जो मैंने इंदिरा आवास पैसा बाध्यवत पैसा पैसा आदा कर विश्वनाथ को दौले से प्रतिमूर्ति कर साधारण लोक कर दुख दे लज्जार कथा। गोपबंधु दास तो नाति हूँ विश्वनाथ ना नीति आदर्श अनुप्राण देते जो मैंने इंदिरा आवास पैसा दिन थिला से पड़िया को ओल्हैले कंपुला पड़िया उड़ूला त्रिरंगा। बहु जातीय अंतर्जातीय हॉकी टूर्नामेंट खेली देश गौरव आनी खेलाड़ी को आग को जानवे से थे भारतीय हॉकी दल द्रोणाचार्य। किंतु आज ये हॉकी खिलाड़ी असहाय हो पड़ते ना रहिबाकु भल घरकंडी अच्छी ना चलिबाकु संबल। आसतु देखा ढेंकनाल जिला गदिया ब्लॉक चंद्रशेखरपुर हॉकी खिलाड़ी गिरिधरी सामल असहायतार कहानी। अलड़ा किंबदंती हॉकी खिलाड़ी हजिगले हॉकी मास्टर खपर घरे बीतुची जीवन सामना को आसला राज्य सरकार को हॉकी प्रीतिर वास्तव दृश्य। ढेंकनाल जिला गंदिया ब्लॉक चंद्रशेखरपुर गिरिधर सामल दिने हॉकी स्टिक धरी अपरपक्ष को घायला करते कंपुला पड़िया उड़ूला तिरंगा।
ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ହକି ଖେଳାଳି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ନା ରହିବାକୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି, ନା ଚଳିବାକୁ ସମ୍ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପାଖରେ ମୋର ନିଜର ସବୁକିଛି ମୁଁ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଶେଷ କରି ହକିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେକୁ ସୁଦ୍ଧା କରିବାର ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ହକିର ଯାଦୁକର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ସେ ତୟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1964-65 ସେ ହକି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଗିରିଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହକିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 1980 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋଜଗାରର ସବୁ ପନ୍ଥା ହରାଇ 73 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଜି ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହକିର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହକି ପ୍ରୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରିଲେ ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ସର୍ଭେକୁ ବିରୋଧ କରି ତା ସହିତ ପଡ଼ାର 4 ଜଣ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ନେଇ ଘେରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍। ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ, ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ାର ଏହି ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମଳୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଘେରାଉ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅପୂର୍ବ, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ାର ଲୋକ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମଲେଶ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିକାଶ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ା, ଏ ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ପଡ଼ା ବାଲିସିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂରଣ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି କରୁଛି, ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପଡ଼ାରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଘେରାଉ? ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏଥିଲାଗି ଘେରାଉ କରିଛୁଁ ଯେ ଏଇଟା ସମଲେଇ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛେ ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ାକେ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ସମଲେଇ ଯୋଜନାକେ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛେ। ଆମର 2 ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଆମର 2 ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମକୁ ପାଖେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଆର୍ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଭଲ ଦିଆଯାଉ। ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଏପତଲକ ଆମକୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତା ଆମର ଦାବି ପୂରଣର। ଲେକିନ୍ ଆଜିର ଆମର ପିଲାମାନେ କିଏ ନାସ୍ତା କରିଯାଇଥିଲା, କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଥିଲା, କେତେଟା ପିଲା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲେ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଗୁଣ୍ଡା ଡାକୁ ଲେଖେଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲର ଘିଚି ଘିଚି ନେଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍, କାହିଁକି ଲାଗି ନେଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଲାଗ୍ମୁ, 5 ଛାଡ଼ିଦେମୁ। ଲେକିନ୍ ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ଇନ 6-4 ହେଇଗଲାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ପୁଲିସ କାଣା କହୁଛି? ଏଛିନ୍ ତ ପୁଲିସ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗିରଫ ନାଇଁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ବୋଲିକରି ପୁଲିସ କହୁଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପୁଲିସ ପଢ଼ାଇକିରି କାଣା କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ କିଛି କରୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ 2 ସର୍ଭେ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍, ଖାଲି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରିକରି ଯାଇଛନ୍ ଆମର ପଡ଼ାକେ। ସମଲେଇ ଯୋଜନାର ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘୁନଘୁଟି ପଡ଼ା ରହିଲାନ 500 ଦୂରେ। ଲେକିନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦଲିତ ସମାଜ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଖାଲି ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମଲେଇ ଯୋଜନାଠୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ସମଲେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସମଲେଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ାବାସୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏପଟେ ଯେ ପୋଲିସ ସହିତ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ ଦେଖୁଛି, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପି
एसपी ऑफिस समुक्र ठिया छथि पचारि बुझबा कोन कोन जयवर्त देव लागि जयवर्त हमर इज्जत महत हानि कला बहुमान हां गुनगुटी पड़ा लोग हलहुलिया करूचन गौ मांस खाऊचन बोली निश्चित प्रकार देखुतले काना हेचे मेन कथा पोडानो उच्छेद को वाले पुलिस जाउचे हां जाउचो अमर मांग अछे फिशरी ऑफिस देबे हमकु आउ अमर जेंटा भरी पुरा ना बात जाबे बले हमें उठु मु बोलछु बले नै अमर पिला मन को सोसो हानि पकोचन आ रखि दोचन भितरे केतरा पिला के नै तीनटा भी पिला के नै जेछन के यार खेल के काम धाम जेतिले आ बाटू बाटू हानि पकेछन आ रखि देछन दाबी तमे तमर दाबी काना पुरा नै हबार पुरा नै हबार हमर दाबी आमर दाबी पेसरे डिपार्ट अछि आमर भरी पुरान सब ने देबे आमे जते घर द्वार बनिछ आमर जगह बसा सब भरी पुरान देबे से आर आमे किने आर अन्य जगह के ने जामे पेसरे डिपार्ट निश्चित प्रकार अपूर्व देखुतले त तांकर दुइटे दाबी रहछि दाबी को वर्तमान समय रे प्रशासन पूरण करुनी किंतु अन्य पटे ताको जे कि बारंबार पुलिस प्रशासन जे कि तागिद करछु जे पडा छाडिया पे काहे कि ना जते बेले समलेश्वरी मंदिर विकास में जो उच्छेद अच्छे ये उच्छेद प्रक्रिया ये घुनगुटी पड़ा मध्य संपूर्ण भाव जीवा तो या जितने वर्तमान समय मध्य जो उच्छेद प्रक्रिया चली ये उच्छेद प्रक्रिया कौन सी प्रकार घर घर जमी बा वर्तमान समय प्रशासन पक्षर जो किसी गवर्नमेंट क्वार्टर को उच्छेद करपटे देखा जो मंदिर पाखे जो रही घुनगुटी पड़ा ये घुनगुटी पड़ा को प्रदर्शन समय उच्छेद तो या पूर्वर मध्य नोटिस आसीला कितु यही पड़ावासी जो दाबी रही जो कहीं दीर्घ वर्ष है से घुनगुटी पड़ा अंचल रोच तो कि दाबी रही ये दाबी को वर्तमान समय प्रशासन पूरण करनी अंपटे देखा जो पाक को बारंबार पुलिस प्रशासन जाऊँ तागिद करपटे जहाँ कहते जहाँ अभियोग करते पड़ार किसी युवक को पुलिस बिना कारण से उठे आनी जहाँ अभियोग करते ये समस्त समस्या को नहीं ये समस्त अभियोग को नहीं बर्तमान समय देखुए एसपी ऑफिस सम्मुख में बर्तमान समय घुनगुटी पड़ावासी पहुंची शताधिक महिला शताधिक युवक बर्तमान समय देखुए अंपटे पुलिस प्रशासन व्यापक पुलिस फोर्स उपस्थित थी देखा मिली तो कौटे ना कौटे जिते बेले समले योजना आसूची तो ये समले योजना को पूरापूरी भाव में घुनगुटी पड़ावासी स्वागत करते कि अन्य कथा देखा जे समले योजना प्रथम तो यह बिवाद लगे आसानी जिते बेले प्रशासन कौटे ना कौटे थैता न करके जो कौन प्रकार विचार न करी एभली उत्तेजना घटना सामना कर तो निश्चित पक्ष देखा जे सरकार जिते योजना करते योजना करते सारा सहरवासी कौन घुनगुटी पड़ बासी समय करते आउ कि लोकों प्रतिक्रिया रखा पचारि बुझा पूरा दाबी कौन रही आज्ञा देखु कौन मुख्य समस्या कौन रही आज्ञा मुख्य समस्या यहाँ हूँ आम एसपी सर को आसी कि दाबी पत्र देवार लगी कि तीन जन के जोर जबरदस्ती घिची को नहीं गले से आम आसीचु तीन जन को छड़ापाई तो समलपुर से माने जे अरेस्ट कर नेबार कारण आमे जानिनि से माने जोर जोर से कानून त ताकर हाथ अछि ना आज्ञा तो लोकक भीतर असंतोष तीव्र होइछि एवं एसपी क ऑफिस घेराव करछेंती घुनघुटी पड़ार शताधिक महिला और पुरुष समलई योजना रे सेउथवा सर्वे को विरोध करछेंती तो सहित अन्याय भाबे पड़ार 4 जन युवकक पुलिस उठै नैथबा अभिजोग करी शताधिक महिला और पुरुष वर्तमान संबलपुर एसपी क कार्यालय घेराव करछेंती जार सीधासलक चित्र आमे आपन पाखरे पहुंचाउछु बहुत बहुत धन्यवाद मळय बोयाम प्रतिनिधि एनी पूरा अपडेट देउथले समस्त रही अर्गस अपडेट को ये रखुचु नमस्कार।